कई जिज्ञासु पूछते हैं हाँ। तुम्हारा विश्वविद्यालय का खर्च व्यवस्थापन तुम कैसे करेंगे तो, अरे तो दो प्रश्न दो तरीके से उनको जवाब अभी तक दे रहा है। स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन व्हाइल डूइंग सर्विस ऑफ द वीआईपीस, हाउ डू यू मैनेज योर लिविंग। आई हैव रिप्लाइड टू देम इन टू वेज। एक तो हमारा विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा ने खोला है, वो हमारा बाप है। वन रिप्लाई इज, प्रजापिता ब्रह्मा हैज ओपन्ड दिस यूनिवर्सिटी, ही इज अवर फादर। उनका जिम्मा है, वो उनको सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा पावरफुल है हम बोलता है। और दूसरा, हम जो रेगुलर विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने वाला है, अपना घर गृहस्थ संभाल कर उसके कुछ बचा हुआ उसमें सफल करते हैं, ऐसे चलता है। उसमें देखा हुआ तड़क बड़क ऐसा नहीं है, वो बुद्धि का विश्वविद्यालय है, ऐसे बोलते हैं। इसमें और अपना कुछ है तो बाबा से सलाह लेने के लिए यह बता रहा हूँ। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज सो पावरफुल दैट ही कैन डू एनीथिंग। द सेकेंड रिप्लाई इज, वी द रेगुलर स्टूडेंट्स हु स्टडी हियर सेव अ लिटिल फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस and invest it for service. This is how we manage our living. There is no show off in it. It is a university meant for the intellect. I said it here to take advice from Baba. Mana hum apne hi tan man dhan se apne liye rajai ki sthapana kar rahe hain. Raj yog seekh karke. Baba, it means we are establishing kingship for ourselves through our own body, mind and wealth by learning Raj Yoga. और Raj Yoga दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। And no human being in the world except the one supreme father, supreme soul can teach Raj Yoga. और बाप जो आकर के Raj Yoga सिखाते हैं वो बहुत सस्ता है। एंड द राजयोग दैट द फादर टीचेस आफ्टर कमिंग इज वेरी चीप। उसमें कोई खास खर्चे की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल एक्सपेंडिचर इन दिस। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत सादा है। आवर फूड एंड ड्रिंक, our lifestyle is very simple. क्योंकि बाप गरीब निवाज है। Because the father is the friend of the poor. नई दुनिया की स्थापना करने के लिए गरीबों को आश्रय देता है या बड़े बड़े साहूकारों को, धृतराष्ट्रों को आश्रय देता है। Does he give asylum to the poor in order to establish the new world, or does he give asylum to the wealthy, to Dhritarashtra? Hey, गरीबों को आश्रय देता है। He gives asylum to the poor. इसलिए उन्हें ज्यादा खर्चे की जरूरत ही नहीं है। This is why they needn't spend much at all. वो खुद कमाते हैं और खुद अपना आश्रम, अपना जो बाबा का सिखाया हुआ विद्यालय है वो चलाते हैं। They earn on their own and run their own ashram, the school in which Baba teaches. इसमें कोई से भीख या डोनेशन लेने की दरकार नहीं है। There is no need to beg or seek donation in this.